करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकवेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गणितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। पृष्ठ दो सौ ठीक क्या है आनंद गिरी क्या है नीचे से ठीक चौथी पंक्ति नीचे से व्याकृता जगता सकाशादात्मानं पृथक कर्तुं तम न पश्यन्ति इति वाक्यं तद् व्याचष्टे तमात्मानं इति। महाप्रलय की दशा में अव्याप्त भावापन्न होकर ही जीव जगत की स्थिति मान्य है। जीव जगत जब ईश्वर की विभाजक रेखा महाप्रलय में विलुप्त रहती सृष्टि दशा में व्याकृत जो जगत है व्यक्त भावापन्न जो जगत है उसी के अंतर्गत देहेंद्रीय प्राणांतःकरण भी मान्य है। उससे आत्मा को पृथक साक्षी के रूप में समझने की क्षमता न होने के कारण जीव जीवत्व का परित्याग नहीं कर पाता। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति से वंचित रहता है। यद्यपि आत्मतत्व सदा आत्मस्थ ही अर्थात आत्मरूप से ही अवशिष्ट है फिर भी मानी मानी बंधन में आए अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण ही बंधन की प्राप्ति है जो कि अज्ञान मूलक है। तो भगवान भाष्यकार ने जो यह भाव व्यक्त किया कि व्याकृत जगत में तादात्म्यपन जो आत्मतत्व है उसे व्याकृत प्रपंच से पृथक करके आत्मानुरूप
ना समझने के कारण ये जो प्राकृत प्राणी हैं बंधन को प्राप्त होते हैं। तमात्मानम इति विशिष्टम पश्यन्तोपि केवलमात्मानम न पश्यन्ति इति यावत्। श्री आनंद गिरि जी अंतर्निहित भाव को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, विशिष्ट को जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी, विशिष्ट से विविक्त केवल आत्म तत्व को नहीं जानते हैं प्राकृत व्यक्ति। विशेषण विशेष और दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। इस दृष्टि से विशिष्ट को जानते हुए भी आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को नहीं जान पाते संसारी व्यक्ति। इसीलिए श्रीमद्भागवत में मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणम व्यवस्थिति मुक्ति को परिभाषित किया गया कि अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति। चाक्षुषत्व निषेधस्य इष्टत्वम आशंक्य प्यातस्ते नोपलभन्ते न पश्यन्ति, या जो है सच पश्यन्ति शब्दस्य चाक्षुषार्थत्वेन उपद्यते इति अभिप्राय चाक्षुषेति। यहाँ गंभीर अभिप्राय यह है कि पश्यन्ति इस प्रकार के शब्द जब प्रयुक्त होते हैं तो दर्शन परक अर्थ ही व्यक्ति के हृदय में उद्भासित होता है। दर्शन में करण के रूप में नेत्र की ही प्रसक्ति प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर चाक्षुष नेत्र के द्वारा सुलभ दर्शन आत्म तत्व का संभव ही नहीं है, नेत्र की गति वह नहीं। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाक से उपलक्षित किसी भी इंद्रिय की गति और मन की गति आत्म तत्व में नहीं है। दर्शन शब्द यहाँ पारिभाषिक है, दृष्टा दर्शन जिसे जब कहते हैं तो भाष्य मात्र का नाम दृश्य होता है। जो भी भाष्य है, वेद्य है, प्रकाश्य है, उसका नाम दृश्य होता है। उसके ज्ञान का नाम दर्शन होता है, उसके ज्ञाता का नाम दृष्टा होता है। चाक्षुषत्व निषेधस्य इष्टत्वम आशंक्य व्याचष्टे नोपलभन्ते, उपलम्ब नहीं होता, उपलब्ध नहीं कर पाते ये अभिप्राय। चाक्षुषत्व का निषेध यहाँ पर इष्ट है, अभीष्ट है, भाष्यकार को ऐसी शंका का निवारण करने की भावना से कहा नोपलभन्ता इति। देहनी प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्मदृष्टभाव के कारण नित्य उपलब्ध आत्म तत्व का भी उपलम्ब संसारी व्यक्तियों को नहीं हो पाता। उक्त निषेध माक्षिपति एक नैमिष का व्यक्ति आया, यह वृंदावन में श्री उड़ियाबाजी महाराज का आश्रम पर रहता था। तो मैं तो बहुत पुराना था नैमिष का, लेकिन वो बाद में हमारे वहाँ से चले आने के बाद आया होगा। वहाँ के व्यक्ति बहुत विचित्र होते हैं, हमारे धर्म संघ के व्यक्ति से पाला पड़ जाए वो भी पुराने, नैमिष के व्यक्ति से पाला पड़ जाए अब तो गिने चुने रह गए होंगे।
समझिए बस यमराज से ही पाला पड़ गया। उसने कहा क्या आत्मा का दर्शन हुआ? हमने कहा आज तक न किसी को हुआ है, आगे होगा, किसी को नहीं हुआ ना, शंकराचार्य को भी नहीं हुआ, रामा किसी को नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन आज तक किसी को हुआ नहीं, न होगा, तो हमें क्या दर्शन होगा। उसको आश्चर्य हुआ, जिसको परंपरा से वेदांत का अध्ययन नहीं हो क्या समझेगा। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा आत्मदर्शन कर्तव्य नहीं है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन कर्तव्य। निरसन माने अपलापवाद व्यावर्तन। शब्द इतने भ्रामक हैं, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन। आविष्कार तो गुरु परंपरा से ही लगेगा, अपने आप जो निगुरे होते हैं कैसे अर्थ लगा लेंगे। आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हमने का न किसी को हुआ है, बेचारा चौका क्या कह रहे। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात अपरोक्ष ही आत्म तत्व है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन या त्याग ही अपेक्षित है। आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है ही, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। इसीलिए कहा चाक्षुषत्व निषेधस्तत्व असंख्य व्याचष्ट नोपलभंते। श्रुति सिद्ध अर्थ की व्याख्या अभिमत दृष्टिकोण से भगवान भाष्यकार ने की नोपलभंते कहकर, उपलब्ध नहीं, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण आत्म तत्व उन्हें उपलब्ध नहीं होता, यह अभिप्राय है। दर्शन का अभिप्राय उपलब्धि में सन्निहित। उक्त निषेधम आक्षिपति नन्विति नोपलभंते के बाद अंतिम पैरा ननु अप्राप्त प्रतिषेधोयम तम त न पश्यन्ति थी। दर्शनस्य अप्राकृतत्वात्, प्राप्त का प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है, परिलक्षित होता है कि शंकराचार्य ने अप्राप्त का ही प्रतिषेध कर दिया। एक नियम है, क्या नियम है? अप्राप्त का निषेध नहीं, नहीं होता, प्राप्त का ही निषेध होता है। बंध्या पुत्र प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध क्या होगा? शस्त्र सिंह खरगोश के सिंह प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध क्या होगा? आकाश कुसुम प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध क्या होगा? प्राप्त का ही निषेध होता, प्राप्त का नहीं। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो मैंने कह दिया आप जैसे आस्तिक श्रोमण को तो बहुत कष्ट होना चाहिए, प्रसन्न क्यों होते हैं? बहुत प्रसन्न होते थे पूज्य गुरुदेव तो ऐसे ताली बजा देते, थोड़े नाराज होते मैं मरा सामने वाला, अब पूरे चश्मा खोल लिया तो राखे हो गया, थोड़ा क्या अब इतने कांपने लगते थे लोग। खूब हंसे, ये कहा। हमने कहा आप जैसे आस्तिक श्रोमण को अगर कोई ईश्वर का खंडन करता है तो दुख होना चाहिए, आप प्रसन्न क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, ईश्वर प्राप्त है तब तुम प्रतिषेध कर रहे हो, या ईश्वर अप्राप्त है तब प्रतिषेध कर रहे हो, तुम्हारा प्रतिषेध ही ईश्वर का ख्यापक हो गया, मरेगा बेचारा, हार जाएगा। इसलिए अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, जब कोई ईश्वर का निराकरण करता है तो पूज्य गुरुदेव ने कहा मुझे बहुत प्रसन्नता होती है,
उसे पूछ सकता हूँ कि ईश्वर है तो उसका प्रतिषेध कर रहे हो या ईश्वर है ही नहीं तो प्रतिषेध कर रहे हो, जगत है तब तो उसका प्रतिषेध किया जाता है कि परमार्थ सत्य नहीं है, व्यावहारिक है। ईश्वर का प्रतिषेध कोई करेगा तो ईश्वर का मंडन होगा या खंडन, मंडन ही होगा खंडन नहीं होगा। ईश्वर को मानकर ईश्वर का प्रतिषेध होगा, ईश्वर को न मानकर ईश्वर का प्रतिषेध होगा, मानकर होगा तो प्रतिषेध सिद्ध नहीं होगा। यह इसीलिए कहा अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है, लेकिन भाष्यकार के वचन से ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्होंने अप्राप्त का ही प्रतिषेध कर दिया। पूर्व पक्ष प्रतिषेध से प्राप्ति दर्शयन परिहरत कहते नहीं, प्रतिषेध जो है जिसका प्रतिषेध अभीष्ट है उसका नाम क्या है, प्रतिषेध निषेध प्रतिषेध, जिसका प्रतिषेध अभीष्ट है उसका नाम हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध है तब उसकी प्राप्ति का निषेध किया जा रहा है, यहाँ पर अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं है। नेत्यादि कहकर नोपलभन्ते न पश्यन्ति नोपलभन्ते, या न पश्यन्ति इति दर्शनस्य अप्राकृतत्वात् नैष दोषः सृष्ट्यादि वाक्यानाम् आत्मैकत्व प्रतिपत्यर्थ परत्वा प्रकृतमेव तस्य दर्शनम्। यह का सृष्ट्यादि वाक्य सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संबंध से संबद्ध जो वाक्य है माने वेदादि शास्त्रों के वचन हैं, उपनिषद सिद्धांत के उद्भाषक वचन हैं, वे सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मैकत्व प्रतिषेध्यर्थ परत्वात् वाक्यानाम आत्मैकत्व प्रतिपत्यर्थ परत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम्। सृष्टि आदि जो वाक्य हैं उनका तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के निरूपण में नहीं है, तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म तत्व है उसके विज्ञान के लिए पहले यतो वायुमानि भूतानि इन वचनों की प्रवृत्ति होती है, ताकि व्यक्ति सुगमता पूर्वक जो जगत दृष्टिगोचर है अनुभव्य है जागृत स्वप्न में सुसुप्ति में जिसकी बीजावस्था अनुभूत होती है उसके सृष्टा अर्थात उत्पादक के रूप में तद्वत पालक के रूप में तद्वत संहारक के रूप में परमात्म तत्व का बोध हो सके। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा तो स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद मात्र ब्रह्म तत्व का बोध कैसे होगा। यह तन्नाम रूपाभ्याम सायव इत्यादि वाक्यानाम ज्ञानार्थत्वे मानवाः रूपमिति। जगत जो है नाम रूपात्मक है, और ब्रह्म क्या है सरस्वती रहस्य उपनिषद के अनुसार अस्थि भाति प्रीरूप है। नाम रूपात्मक जगत हो गया, अस्थि भाति प्रीरूप परमात्म तत्व। प्रतिषेध्य के भेद से प्रतिषेधक शब्दों में भेद प्राप्त है, जो सत्य है वही चित्त है, जो चित्त है वही आनंद है, लेकिन जगत अनित्य है अचित है दुखप्रद है। इस तथ्य की उद्भावना के अभिप्राय से तीन शब्दों में आत्मतत्व को ख्यापित किया गया, क्योंकि जगत क्या है नाम रूप कर्मात्मक है हृदयांडक उपनिषद के अनुसार,
दो शब्दों के माध्यम से भी जगत को ख्यापित किया गया है, तीन शब्दों के माध्यम से भी जगत को ख्यापित किया गया है। जगत नाम रूप आत्मक है, जगत नाम रूप कर्मात्मक है, दोनों तथ्य बृहदारण्यक में। अंत में कर्म का अंतर्भाव भी नाम रूप में कर लिया जाता है, तब जगत नाम रूपात्मक। नाम का अर्थ है शब्द, वाचक, अभिधान। रूप का अर्थ है वाच्य, अर्थ अभिधेय। कहीं कहीं नाम का अर्थ हो जाता है लक्षक, कहीं कहीं नाम का अर्थ हो जाता है लक्ष्य। ये सब नाम को ही शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाचक कहते हैं, अभिधान कहते हैं। ये जगत नाम रूप आत्मक है। स्वरूप का अभिव्यक्त रूप ही रूप होता है। इसका अर्थ मिट्टी स्वरूप है, घटादि रूप है, तो स्वरूप का अभिव्यक्त रूप ही रूप होता है। जगत नाम रूपात्मक है। घटपट इत्यादि नाम है, घटपटादि को जो आकृति प्राप्त है, आकृति विशेष, उसी का नाम है रूप। दार्शनिक भाषा में घट को क्या कहेंगे? पृथु बुधनोदरादि आकार वाला, पृथु बुधनोदरादि आकार वाला। गणेश जी में लक्षण चला है, गोल मटोल आकृति से संपन्न, पृथु बुधनोदरादि। गोल मटोल आकृति से संपन्न क्या है? घट। पृथु प्रशस्त, पृथु बुधनोदरा ये घट का नाम है, उसके रूप का चित्रण। यह का सृष्टि का आलंबन क्यों लिया? ताकि सृष्टा के स्वरूप का प्रतिपादन हो सके। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का ही जिसको ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का ज्ञान हो ही कैसे सकता है? सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निहित न होकर सृष्टा को लक्षित कराने में सन्निहित है। यह अभिप्राय क्या हुआ चक्रवर्ती जी? सृष्टि परक वचनों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित न होकर सृष्टा के स्वरूप को ये उद्भाषण में सन्निहित। सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा का ज्ञान कराना आवश्यक। तन्नाम रूपाभ्याम व्याकरण माने विस्तार। पृथक से नाम, पृथक से रूप हो गया तो विस्तार हो गया। व्याकरण माने विस्तार, लिंग को लेकर, वचन को लेकर। विभक्ति को लेकर शब्द और धातु का विस्तार हो जाता है, इसलिए व्याकरण को व्याकरण कहते हैं। भोजन विज्ञान में व्याकरण क्या है ये तो यही बता सकते ठीक से। भोजन में व्याकरण क्या है? कुछ बोल दिया ठीक। भोजन में आलू है, बेसन है, तेल है, मसाला है, 25 रूप में उसको व्यक्त कर दिया, यही व्याकरण हो गया क्या?
व्याकरण माने विस्तार, ये जो भोजन बनाने वाले हैं ये व्याकरण है या नहीं क्या बेसन है, घी है, गर्म करने के लिए अग्नि है, फिर तेल है, भाई घी है, फिर क्या है, एक ही बेसन को कई आलू के साथ, तिलकोर के पत्ते के साथ, पता नहीं कितने भोजन बना रहे हैं। मिथिला में तो 25-25 अतिथि आ जाए तो कम से कम 25 तो भोजन की सामग्री होनी चाहिए, वहाँ की प्रथा 15-20 कम से कम 10 हो, नहीं तो फिर अतिथि सत्कार नहीं हुआ। इसीलिए भोजन में भी क्या हो गया, व्याकरण, व्याकरण माने विस्तार, विस्तार का प्रयोजक क्या हुआ, विभिन्न रूपों में, विभिन्न नाम हो गया, विभिन्न रूप हो गया, ये विस्तार हो गया। नाम और रूप ही विस्तारक हैं, क्या नाम और रूप ही विस्तारक हैं। अब देखिए यह भी प्लास्टिक है, यह भी प्लास्टिक है, यह भी प्लास्टिक है, घड़ी का ये भी प्लास्टिक है, ये व्याकरण हो गया या नहीं ये व्याकरण हो गया क्या, प्लास्टिक को माइक का रूप दे दिया, घड़ी का रूप दे दिया, इस यंत्र का नाम क्या है, कैमरे का रूप दे दिया, ये सब प्लास्टिक को ही, चश्मा के इसका रूप दे दिया, ये सब क्या है, व्याकरण। हर व्यक्ति जो व्याकरण को जानता है क्या वही उपयोगी हो सकता है समाज में। एक ही काष्ठ की वार के रूप में भी है, खिड़की के रूप में भी है, अलमारी के रूप में भी है, क्या ये सब व्याकरण वाले हुए या नहीं, क्या व्याकरण के बिना काम कैसे चलेगा। वहाँ तो शब्द का विस्तार है, क्या क्रिया का विस्तार है, द्रव्य का विस्तार है, और यहाँ वस्तु का विस्तार हो गया। एक ही वर्ध की बढ़ई, कुर्सी भी बना देता है, मेज भी बना देता है, अलमारी भी बना देता है, किवाड़ भी बना देता है, खिड़की भी बना देता है, व्याकरण हुआ या नहीं। गया जो ट्रेन पहुँचती है लगभग 2 बजे, तो एक बार गए ट्रेन से उतरे, कार में बैठे, एक पेंट वाले पाँव छूना चाहते थे, साथ वो जो आए थे स्वागत के लिए उन्होंने उसे उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज ये सब इन्होंने हमको मना क्या किया, चश्मा को यूँ कर दिया, उन्होंने चश्मा यूँ करके उनसे बात कर रहे थे। जब हमारे हृदय में भावना है, श्रद्धा है, इसलिए हम अछूत हो गए कि हम धोती नहीं पहने, पेंट पहने, ये इनको किसने शिक्षा दी, हमने ऊपर चश्मा ये ऐसे किए थे, हमने कहा कि आपने चश्मा यहाँ क्यों धारण कर रखा है, सूक्ष्म अक्षर को वस्तु को देखने में आप समर्थ हो सकते हैं, यहाँ लगाकर भावना के साथ साथ विधि भी तो चाहिए ना जब आप चश्मा को यूँ लगाएंगे तो भावना के साथ साथ विधि का योग हो गया। अब बेचारा चुप हो गया, क्या उत्तर देता, मुँह की खा गया क्या, केवल भावना से काम चले तो भावना तो आप कहे कि यहीं से देख लूँ, लेकिन आप यहाँ लगाने पे देख नहीं सकते, भावना तो है लेकिन विधि यह है, बेचारा चुप हो गया। इसलिए कहाँ चल रहा था, 210 विशिष्टस्य दर्शने पि, यही कहा पूर्णस्य दर्शने हेतुक्ति, विशिष्ट का अर्थ मैंने बताया, विशेषण हो विशेष्य हो दोनों का संबंध हो तब विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है, 3 के योग से, एक और चाहिए विशेषण, एक और चाहिए विशेष्य। नील शब्द विशेषण हो गया, नील
का अर्थ विशेषण, कमल विशेष हो गया, दोनों मिल जाने से नील रूप विशिष्ट कमल हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया? नील कमल। विशेषण हो विशेष हो दोनों का संबंध, तो तब विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। अब वो निम्बार्क संप्रदाय वाले विशिष्टाद्वैत पर आक्रमण करते होते हैं। मैंने कहा निम्बार्क संप्रदाय वाले, केशव कश्मीरी जी का जो गीता पर भाष्य है 13वें अध्याय में उन्होंने विशिष्टाद्वैत पर प्रहार करते हुए लिखा, केशव कश्मीरी जी ने क्या लिखा, आपके मत में तो जीव और जगत दोनों ही, दोनों से युक्त परमात्मा विशिष्ट ईश्वर है, तो विशेषण कोटि प्रविष्ट आपके यहाँ जीव और जगत हैं, विशेषण व्यावर्तक होता है, व्यावर्तक होता हुआ स्वरूप का उद्भाषक होता है, व्यावर्तन किसका करेगा, व्यावर्तित तो कोई बचा ही नहीं। नील कहने पर नील कमल, नील रूप विशिष्ट कमल, नील कमल तो श्वेत इत्यादि का व्यावर्तन हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो जीव और ईश जगत ये दोनों ईश्वर के विशेषण हैं, तो विशिष्ट हो गया जीव जगत से ईश्वर, विशेषण व्यावर्तक होता है, अन्यों का व्यावर्तक होता हुआ विशेष को अपने से संशिष्ट करने वाला विशेषण होता है। उपाधि और विशेषण में क्या अंतर है? जब तक हम अंतःकरण को विशेषण बना के रखते हैं तब तक जीव हैं, जब अंतःकरण को उपाधि बनाने में समर्थ हो जाते, मने बनाने मने समझने, तब हम जीवत्व से मुक्त हो जाते हैं। अंतःकरण एक ही है, संसारी व्यक्ति उसको विशेषण बना के रखते हैं, साधक उसको उपाधि बना देते हैं। स्वरूप में प्रविष्ट होकर के अन्यों का व्यावर्तक विशेषण होता है, स्वरूप में अप्रविष्ट हुए बिना व्यावर्तन करे तो उपाधि है, उपाधि और विशेषण में यह सूक्ष्म अंतर है। अंतःकरण को हमने उपाधि बना दी, मैंने समझ लिया, तब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। अंतःकरणोपहित जीव और अंतःकरण विशिष्ट जीव दोनों मंतर हो गया। विशेषण का विशेष के स्वरूप में प्रवेश होता है, विशेषण विशेष के स्वरूप में प्रविष्ट होता हुआ इतर का व्यावर्तक होता है, जबकि उपाधि पृथक विशेष के स्वरूप में उपहित के स्वरूप में अप्रविष्ट होकर ही इतर का व्यावर्तक हो रहा है। विशेषण और विशेष उपाधि में अंतर हुआ न सूक्ष्म। रामानुजाचार्य जी ने विशेषण के रूप में कहा सूक्ष्म और स्थूल चिदचित विशिष्ट, जीव और जगत दोनों ही विशेषण हैं भगवान के, मन जगदीश्वर के, उनके यहाँ लक्ष्यार्थ तो है नहीं। अब जो जीव जगत जगदीश्वर ले लिया, तीन के अलावा कुछ बचा ही नहीं, इसलिए जीव और जगत जो विशेषण कोटि प्रविष्ट हैं आपके सिद्धांत के अनुसार, वो विशेषण फिर विशेष का ही व्यावर्तन करेंगे या ये भी संभव नहीं, अपना ही व्यावर्तन करेंगे ये भी संभव नहीं, अतिरिक्त कोई है नहीं, तो विशेषण का विशेषण होना ही चरितार्थ नहीं हुआ। किसने कहा? केशव कश्मीरी जी ने गीता के 13वें अध्याय के भाष्य के प्रारंभ में श्री रामानुजाचार्य महाभाग विशिष्टाद्वैत के उद्भाषकों में उनके मत का निराकरण करते हुए केशव कश्मीरी जी का यह वचन है।
हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, बोल संस्कृत में। क्या पूछ रहे थे? क्या विशेषण की जो परिभाषा है यहाँ पर, जो जिस दृष्टि से रावण दशरथ जी ने कहा उसको विशिष्ट पद जो है, विशिष्ट के इतर श्वेतर का निषेधक ना होकर के या आवर्तक ना होकर के केवल अपने अर्थ का आधायक के रूप में विशेषण को नहीं ले सकते? विशेषण की परिभाषा ही है ना, क्या व्यावर्तक नील कमल कहा तो सजाती कमल कौन हो गए रक्त इत्यादि। नील कमल कहने पर नील रूप विशेष है, गुण विशिष्ट कमल हो गया तो सजाती हो गए कमल के रक्त कमल इत्यादि। नील ने रक्त कमल इत्यादि का क्या कर दिया, व्यावर्तन कर दिया। नील कमल के अतिरिक्त भी कमल हैं, रक्त कमल, श्वेत कमल इत्यादि, तब तो नील कमल में नील विशेषण सार्थक हुआ। यहाँ तो विशेषण के रूप में जीव और जगत को ही माना, तीसरा तो कौन हुआ विशिष्ट पदार्थ विशेष्य, जिसको जीव और जगत विशेषण के रूप में प्राप्त हैं, अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। तो जो विशेषण हो गए जीव और जगत, ये व्यावर्तक इसको होंगे, व्यावर्तक नहीं होंगे तो विशेषण संज्ञा ही चरितार्थ कैसे होगी, यह प्रश्न आक्षेप है। श्री रामानुज संप्रदाय वालों ने अपने ढंग से इसका निराकरण किया, व्यावर्त न होने पर भी विशेषण व्यावर्तक मान लिया जाता है इस ढंग से, वो लिपापोती की बात हो गई। ब्रह्म परिणामवाद को लेकर और श्री रामानुजाचार्य जी ने सृष्टि काल में जो स्थूल चिदचित विशिष्ट ब्रह्म कहा, वल्लभाचार्य जी के या फिर शुद्धाद्वैतवादी जो कश्मीरी वेदांती हैं उनका शुद्धाद्वैत में अगर देखें ब्रह्म परिणामवाद, और यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने जो सृष्टि काल में स्थूल चिदचित विशिष्ट ब्रह्म कहा, तो इन दोनों में क्या घुमा फिरा के ब्रह्म परिणामवाद ही मानेंगे रामानुजाचार्य जी का? सूक्ष्म कौन हो है जिसको स्थूल कहा? प्रलय तो क्योंकि सूक्ष्म उपाधि, सूक्ष्म शब्द कहाँ बजरेगा, कहाँ जाके जीव पर उपाधि पर नहीं, किसी के यहाँ भी वेदांतियों के यहाँ भी अव्याकृत जब कहेंगे तो अव्याकृत माने व्याकरण व्यक्त भाव से रहित, अव्याकृत मूलावस्था। तो यहाँ पर जब कहेंगे क्या अर्थ हुआ, जो अव्याकृत है वही व्याकृत हो जाता है, अव्यक्त ही व्यक्त होता है। सूक्ष्म कहने का अर्थ क्या हुआ, अव्यक्त ही अंत में हुआ अव्यक्त। या आत्मतत्व तो एक ही है लेकिन प्रलय दशा में उसकी उपाधि क्या है, अव्यक्त, सर्ग दशा में उसकी उपाधि है व्यक्त, इतने अंतर हुआ ना। उपाधि विशेषण अगर कहें तो प्रलय दशा में कौन है, सूक्ष्म अव्यक्त ही विशेषण है, सर्ग दशा में व्यक्त ही विशेषण है। तो विशेषण में परिवर्तन हुआ या विशेष्य में परिवर्तन हो गया? विशेषण में ही तो संकोच और विकास हुआ, विशेषण के संकोच और विकास का आरोप हो गया विशेष्य में, तब विशिष्ट पदार्थ भी संकोच और विकासशील ऐसा हुआ। यह ये सब खोल के पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है, नहीं तो हनुमान चालीसा की तरह एकदम दो चार पेज एक दिन में पढ़ा दो, दो तीन घंटे में कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रायोगिक भी नहीं हो पाएगा। विशिष्टस्य दर्शन है पी ही ना, पूर्णस्य दर्शन है हेतुक्ति। विशिष्ट का दर्शन होने पर भी पूर्ण का दर्शन होता है, इसमें
हेतु का कथन होना चाहिए। अनंतर वाक्यम इत्याह, उस हेतु को दर्शाने के लिए शंकराचार्य ने कहा तत्रेति, दूसरा पैरा तत्र प्राणादि प्राणादि क्रिया विशिष्टस्य यह का पूर्ण से विशिष्ट से दर्शन होने पर भी पूर्ण का अदर्शन होता है, इसमें हेतु क्या है? क्या अर्थ हुआ? महाप्रलय की दशा में तो अव्यक्त उपाधि से उपहित होता है तत्व, वहाँ तो दृष्टा दर्शन दृश्य इत्यादि का विभाग ही संभव नहीं। सर्ग दशा में लाचारी यह है कि विशिष्ट का ही दर्शन होता है, विशेषण से अतिक्रांत विशिष्ट को समझने की क्षमता ही नहीं होती, इसलिए दोनों ओर से मारे गए। वहाँ दर्शन की सामग्री नहीं और यहाँ जिसको देखना चाहते उसमें दृष्ट होने की क्षमता नहीं, विशिष्ट हो गया वो। विशिष्ट हो गया माने ये नींद तो बिल्कुल सिद्ध है एक क्षण में ही विशिष्ट से दर्शन है, फिर पूर्ण से दर्शन है। यहाँ विशिष्ट का दर्शन हुआ, पूर्ण का दर्शन नहीं हुआ। पूर्ण का दर्शन नहीं हुआ का अर्थ क्या हुआ? विशेषण विनिर्मुक्त विशेष से जो रह गया वह पूर्ण हुआ, उसका दर्शन नहीं हो पाया। यहाँ विशिष्ट का दर्शन होता है, वहाँ बीज का दर्शन होता है, निर्बीज का दर्शन वहाँ नहीं, निर्विशिष्ट का दर्शन यहाँ नहीं, दोनों ओर। और दर्शन कौन करेगा महाप्रलय में? दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों तो एक होकर ही शेष रहते हैं। सर्ग दशा में विशिष्ट का ही उपलम्ब होता है। उज गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो हमने चपलता का परिचय दिया आस्थापूर्वक कि आप बार बार कह रहे मुक्तोपसिप्य ब्रह्म, क्या शब्द है चक्रवर्ती जी? मुक्तोपसिप्य ब्रह्म, मुक्तोपसिप्य ब्रह्म, मुक्तोपसिप्य हाँ ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म बोलो ठीक बढ़िया ठीक बढ़िया ठीक कहा कहा तो कुछ मुक्तोपसृप्य मुक्तोपसृप्य ब्रह्म। कुछ गुरुदेव से कोई गीता पढ़ने आया कतरंडो गरिया, मुझे गुरुदेव ने बताया 25 बार उच्चारण करे उसको उच्चारण ना हो तो महाराज ने नाम रख दिया कतरंडो गरिया। ब्रह्मचारी का नाम रख दिया महाराज ने कतरंडो गरिया, गीता में है ना पहले अध्याय में। मुक्तोपसृप्य ठीक मुक्तोपसृप्य ब्रह्म, हमने प्रश्न कर दिया कि मुक्तोपसृप्य ब्रह्म कहाँ होगा महाराज? महाप्रलय में तो होने से रहा इस समय तो। उन्होंने कहा बात तो ठीक कहते हो लेकिन विशेषण उपाधि से विनिर्मुक्त दृष्टि प्राप्त हो जाए तब जो ब्रह्म है वही मुक्तोपसृप्य हो जाता है। क्या? मुक्तोपसृप्य हो जाता है। सोपाधिक निरुपाधिक हो जाता है, विशिष्ट भी ही निर्विशिष्ट हो जाता है, निर्विशेष हो जाता है। अतद व्यावृत्ति से मुक्तोपसृप्य ब्रह्म को समझने के लिए कौन सी प्रक्रिया? अतद व्यावृत्ति, अतद निरसन, व्यावृत्ति मन निरसन। हमने एक दिन बताया था ना, एक पड़ोसी माने लगभग दो फरलांग दूर पर
पंडित जी का घर था, उनका नाम था निरसन झा, निरसन। तो बच्चे तो बड़े विचित्र होते, हम लोग आपस में बात करते, भोलानाथ कार समझ में आ गया, शिवानंद कार समझ में आ गया, कृष्णानंद कार समझ में आ गया, पीताम्बर कार समझ में आ गया, किस मूर्ख ने इस पंडित का नाम रख दिया होगा निरसन, कोई अर्थ होता है क्या? आपस में बात करें, वहाँ बात करते चाटे लग जाते, किसी मूर्ख ने रख दिया होगा निरसन, निरसन निरसन क्या अर्थ होता है? अगर वेदांत से पाला पड़ा तो हमने सोचा कितना बड़ा विद्वान होगा जिसने नाम रखा होगा निरसन। अतद निरसन है न अतद व्यावृत्तिया, क्या निरसन माने अपनोदन, निराकरण, अपनोदन, छटनी, अपनी ओर से, जिसको हम लोग मूर्ख समझते हैं, क्या पता बहुत बड़ा विद्वान हो, किस मूर्ख ने नाम रख दिया निरसन, निरसन कोई अर्थ होता है? निरसन बिल्कुल निरर्थक नाम। बच्चे आपस में, तुम बताओ निरसन का अर्थ क्या? हाँ फालतू। बाद में जब अध्ययन शुरू हुआ तो सोचा वो कितने बड़े विद्वान ने नाम रखा होगा निरसन, अतद निरसन न अतद व्यावृत्या, शिव महिमन स्त्रोत्र वेद स्तुति, अतद निरसन न अतद व्यावृत्या, विशिष्ट से दर्शन पूर्ण से दर्शन हेतुक्ति अनंतरवाक्यमित्याह तत्रेति, तत्र कहकर तत्र प्राणादि क्रिया विशिष्ट से दर्शन हेतुमाह अकृष्णो समस्तो ही यस्मात् स प्राणादि क्रिया विशिष्ट। ये प्राणी हैं, प्राणक क्रिया का कर्ता, अपानक क्रिया का कर्ता, ऐसे ही दर्शनक क्रिया का कर्ता हो गए तो दृष्टा, और उक्तिक क्रिया का कर्ता हो गए तो वक्ता, या गतिक क्रिया का कर्ता हो गए तो गंता। इस प्रकार से क्या अर्थ हो गया? व्यवहार में विशिष्ट का ही अनुभव होता है सर्ग दशा में, सुसुप्ति में, महाप्रलय में बीजावस्थापन्न का ही अधिगम होता है, निरुपाधिक निर्विशिष्ट का तो अधिगम होता ही नहीं। तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म का जब तक अधिगम नहीं होगा तब तक कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तत्रेति प्राणादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शन हेतु माह अकृष्ण समस्तो ही अस्मात्, अकृष्ण असमस्त पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, एक एक विशेषण के योग से विशिष्ट जो आत्मतत्व है वो असमग्र है, अपरिपूर्ण है। समग्र विशेषणों से अतिक्रांत जो आत्मतत्व है वही वास्तव है, लेकिन बौद्धागम वाले कहेंगे कि वह है ही नहीं, फिर बहुत कठिनाई हुई है, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। अगर विशेषण न लगावे तो निरात्मवाद का आरोप कर देते हैं बौद्धागम वाले, अर्थात है ही नहीं, निरुपाधिक निर्विशिष्ट तत्व है ही नहीं, स्वरूप का ही अपलाप कर देते हैं। विशेषण लगावे तो कहते हैं अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व का प्रयोजक है। क्या कहा बोलो चक्रवर्ती जी? अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व है, अन्योन्य अन्योन्य सापेक्ष दृश्य है, अन्योन्य माने एक दूसरे पर निर्भर हो। दृष्टा दर्शन दृश्य में क्या हुआ? दर्शन कहने पर दृष्टा और दृश्य की सिद्धि हो गई, दृष्टा कहने पर दृश्य और दर्शन की सिद्धि हो गई, दृश्य कहने पर दर्शन और दृष्टा की सिद्धि हो गई। एक के ग्रहण से दो का ग्रहण हो गया, एक के अपनोदन से दो का अपनोदन हो गया, अपनोदन निरसन, या इसलिए रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए।
विशेषण न लगावे तो अधिगम का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, निरात्मवाद की प्रसक्ति हो जाती है। विशेषण लगा दें तो पूर्ण या शुद्ध की उपलब्धि नहीं होती, तो रहा भी न जाए सहा भी न जाए। विशिष्ट से दर्शन पी प्राणन क्रिया का कर्ता कौन हो गया? पावन क्रिया का कर्ता, उदान क्रिया का कर्ता, उद्गाता, ये सब हो जाते हैं, प्राणी हो जा गया। ये वदन क्रिया का वक्ता हो गया, निरूपण क्रिया का कर्ता निरूपक हो गया, गमन क्रिया का कर्ता गंता हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? विशिष्ट 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 एक विशेषण लगा दिया तो पूर्ण की प्राप्ति नहीं होगी, विशिष्ट ही हो गया। नील विशेषण लगा दिया तो नील कमल, पीत विशेषण लगा दिया तो पीत कमल, रक्त विशेषण लगा दिया तो रक्त कमल। नील कमल ही कमल है, अन्य कमल नहीं क्या? विशिष्ट हो के बना दिया तो पूर्णत्व का अधिगम नहीं होगा, पूर्ण का अधिगम नहीं होगा। प्रतिज्ञा वाक्यार्थे स्थिते सति इति यावत् न पश्यन्ति प्रतिज्ञा वाक्यार्थे, या प्रतिज्ञा वाक्य न पश्यन्ति, पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता, देखते हुए भी नहीं देखते, बहुवचन में हो गया। अर्थात विदित होने पर भी विदित नहीं, अधिगम होने पर भी अनधिगम ही मान्य है, क्योंकि अकृष्ण समग्र ब्रह्म नहीं हुआ, फिर आंशिक हो गया। कानिकुब्ज लगा लिया तो सर्व ब्राह्मण का ग्रहण हुआ या नहीं? नहीं। सरयू पाणि लगा दिया तो मैथिल लगा दिया, बंगाली लगा दिया तो, मद्रासी लगा दिया तो, विशेषण ताम्र लगा दिया तो ताम्र पात्र, लौह लगा दिया तो लौह पात्र, रजत लगा दिया तो रजत पात्र, स्वर्ण लगा दिया स्वर्ण पात्र। ऐसे ही विशेषण क्या करता है? विशेष को अकृष्ण, अकृष्ण बोल सकते चक्रवर्ती, अकृष्ण, अकृष्ण, हाँ यह, और समस्त तस्मात् दर्शन भी पूर्ण से अदर्शन मिति शेषा है। जबकि बात ऐसी है इसलिए उसका दर्शन होने पर भी पूर्ण का दर्शन ही मान्य है, यह हुआ। एक व्यक्ति नृत्य करता है, दर्शक नृत्य करते हुए व्यक्ति को देखते हैं, नर्तक ही तो मानेंगे ना, और जब वो गाता है तब क्या मानेंगे? गान सुनने वाले गायक, पढ़ाता है तो अध्यापक, पढ़ता है तो विद्यार्थी। एक एक क्रिया के द्वारा अभ्यक्ति तो वही है, पाचक, भोजन बनाते समय पाचक हो गया, भोजन करते समय भक्षक हो गया, गाते समय गायक हो गया, पढ़ते समय पाठक हो गया, दौड़ते समय धावक हो गया। या इसलिए विशेषण क्या करता है? पूर्णत्व का अवरोधक। विशेषण कौन होता है? पूर्णत्व का अवरोधक। यह तस्म
तस्मात्तर्दर्शने पूर्णस्य अदर्शनमिति शेषः विशिष्टस्यापि पूर्णत्वम् आत्मत्वात् अन्यथा प्राणनादि कर्तृत्वा योगात् इति संकते कुत इति। विशिष्ट का दर्शन भी पूर्णत्व का ही सूचक है। पूर्णत्वम् आत्मत्वात् क्योंकि वह भी तो आत्मा का ही प्रकारांतर से दर्शन है, तद विशिष्ट आत्मतत्व का ही दर्शन होता। अन्यथा प्राण आदि कर्तृत्व योगात् प्राणन प्राण के योग से प्राणन क्रिया का कर्ता, ऐसे गति के योग से गंता, मति के योग से हो गया मति, मंता, बुद्धि के योग से बुद्धा, गान के योग से गायक, नृत्य के योग से नर्तक। यह चाटुकारिता के नाम के योग से क्या नाम हो जाएगा, ये तो वो बोलेंगे। चाटुकारिता के योग से क्या नाम हो जाएगा, अरे व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, चाटुकार। बढ़िया। और चटनी के योग से चाटुकार नहीं होगा ना, नाम चटनी के योग से। चाटक या हाटक तो नहीं होगा, चाटक। चटनी के योग से चाटुकार नाम नहीं होगा, चाटुकारिता के योग से चाटुकार, चटनी के योग से यही व्याकरण में ढूंढना कि चटनी जब पाता है व्यक्ति, चटनी के योग से उसका नाम क्या हो जाता। चटनी शब्द संस्कृत का है भी या नहीं। जो चाटक दिखाता मदारी है। तस्मात्तर दर्शने पि पूर्णस्य अदर्शनमिति शेषः विशिष्टस्य अपि पूर्णत्वम् आत्मत्वात् अन्यथा प्राणादि कर्तृत्व योगात् इति संकते। एक व्यक्ति कोई गुजरात से आया, तो मैं तो ऐसे रहता हूँ, कोई सोने चांदी के आसन पर बैठना, ये वो चांदी छड़ी लिए हुए कोई वृद्धावली सब, हमारे यहाँ कुछ है नहीं। तो मैं द्वार पर था 28-29 साल पहले, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ। मैंने सोचा अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो गाली देगा, मानेगा ही नहीं। तो आज शंकराचार्य की मूर्ति उन दिनों उधर हमने संकेत कर दिया, नीचे विद्यार्थी लोग थे, हे बच्चे शंकराचार्य कहाँ हैं। उन्होंने हमारे लिए समझा, उन्होंने ऊपर कर दिया, तुमने कहा कि नीचे शंकराचार्य हैं, संकेत करके बच्चों ने कहा ऊपर हैं कौन, मुझे मान है तू शंकराचार्य हो सकता, भग गया गाली देख, तू कहीं शंकराचार्य हो सकता है। यह विशिष्टस्य अपि पूर्णत्वम् आत्मत्वाद् अन्यथा प्राणादि कर्तृत्व योगात् इति संकते। पूर्ण ही तत्त क्रिया के आलम्बन से संकीर्ण सरीखा परिच्छिन्न सरीखा तत्त क्रिया में तादात्म्यपन सरीखा परिलक्षित होता है। अभिप्राय प्राणादि क्रियाकर्ता प्राणादि भी संहतत्वात् पूर्णो न भवति इत्युत्तर वाक्य उत्तरमाह। प्राणादि क्रिया का कर्ता प्राणादि से संहत होने के कारण पूर्ण नहीं होता, परिच्छिन्न रूप में ही उसका अधिगम होता है। यह अभिप्राय तब फिर आत्मतत्व का अधिगम कैसे होगा, गुणोपसंहारण न्याय से। गुणोपसंहारण न्याय से यह अभिप्राय हो, गुणोपसंहारण न्याय ब्रह्मसूत्र का है शब्द, भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मसूत्र भाष्य में गुणोपसंहारण न्याय। ईश्वर को कई अमुक गुण
के माध्यम से बताया गया, कहीं अमुक गुण के माध्यम से, कहीं अमुक गुण के माध्यम से, तब उनका संकलन करना चाहिए। एक एक गुण का संकलन करके गुणोपसंहारण न्याय से फिर ईश्वर के स्वरूप का आकलन करना चाहिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, यह आनंद शब्द का प्रयोग नहीं है। आनंदम ब्रह्म में सत्यम और ज्ञानम का प्रयोग नहीं है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में सत्यम का प्रयोग नहीं है। विज्ञानम ब्रह्म में सत्यम और आनंदम का प्रयोग नहीं है। इसलिए आत्मा के समग्र स्वरूप को समझने के लिए गुणोपसंहारण न्याय से आत्मा के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। काम के योग से किसी व्यक्ति को कह दिया कामी, क्रोध के योग से क्या कह दिया क्रोधी, लोभ के योग से कह दिया लोभी, पाखंड के योग से कह दिया पाखंडी, विद्या के योग से कह दिया विद्वान, चारुता के योग से कह दिया चाटुकार। अब अंत में तो व्यक्ति क्या हुआ, तो गुणोपसंहारण न्याय से सबसे अतिरिक्त करके सर्व रूपों में उद्भासित बना करके उसका ज्ञान होगा। विशिष्टस्यापि पूर्णत्वम् आत्मत्वात् अन्यथा प्राणनादि कर्तृत्वा योगात् विसंकते कुत इति, प्राणादि क्रियावर्तकर्ता प्राणादि भी संहतत्वात् पूर्णो न भवति इत्युत्तर वाक्य ही उत्तर मा उच्यते इति उच्यता इति। आत्मनि प्राण शब्द प्रवृत्तम उपादयति प्राण क्रिया कर्तृत्वात्। अब आनंद गिरि जी कहते हैं यह जो प्राण शब्द है यह तो आत्मार्थक भी होता है। यहाँ पर प्राण शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है या किसी अन्य अर्थ में, इसका उत्तर दिया प्राणक क्रिया का कर्ता। यहाँ पर प्राण शब्द जो है प्राणक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त है, केवल प्राण के अर्थ में नहीं। प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, प्राण शब्द का अर्थ आत्मा होता है, प्राण शब्द का अर्थ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण भी होता है, प्राण शब्द का अर्थ प्राण वायु प्रभेद का भी नाम होता है। इसलिए प्राण शब्द कहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यह विचार करने की आवश्यकता। प्राण प्राण के प्राण से प्राण प्राण प्राणम नहीं प्राण 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 के मन, यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ तो एक ही नहीं होता, अव्याकृत भी होता है। परमात्मा एक, अव्याकृत दो, प्राण का अर्थ होता है। तीसरा क्या अर्थ हो गया वायु प्रभेद, तीन, चौथा क्या हो गया समग्र कर्णक व्यायाम के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है यह भी। और जीवन प्रद का भी, तुम तो मेरे प्राण हो, उस वो क्या चला गया, मेरा प्राण ही हरण करके चला गया, ऐसा नैमिषारण्य में विवेकानंद जी थे, नैमिष वाले महाराज के शिष्य, ऊपर से सबको बोलते थे अरे तुम तो मेरे प्राण प्यारे हो। वो भी समझता था कि वैसे बोल रहे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। प्राणादि क्रियाकर्ता प्राणादि भी सम्मतत्वात् पूर्णो न भवति इत्युत्तर वाक्य यह उत्तर माह उच्यते उच्यता इति। आत्मनि प्राण शब्द प्रवृत्ति उपपादयति प्राण क्रियाकर्तृत्वात् इति। आत्मा में भी प्राण शब्द की प्रवृत्ति होती है, तो कहते हैं यहाँ पर प्राण क्रिया का कर्तृत्व जिसमें है वो आत्मा, प्राण क्रिया जिसमें है वो प्राण विशेष, कर्तृत्व आ गया तो सोपाधिक आत्म तत् तत्कर्तृत्वात् आत्मा प्राण उच्यते। प्राण क्रिया का कर्ता होने के कारण आत्मा का नाम हो गया प्राण। क्या हो गया,
एक थे हमारे गुरु भाई कृष्णानंद सरस्वती जी महाभाग, तो बोलते थे बोधाश्रम जी बोधाश्रम जी, कुछ गुरुदेव 9 से 12 तक पढ़ाते थे चौमासे में अनध्याय के दिन को छोड़ के। तो कभी कभी 9:30 बजे की बार खुलता तब तक पूजन वूजन में रहते, तो हम लोग आपस में बात करते कृष्णानंद जी महाराज बोधाश्रम जी बोधाश्रम जी। हमने कहा कौन महात्मा? उन्होंने कहा कृष्ण बोधाश्रम जी का नाम सुना? हमने कहा सुना ही नहीं है, दर्शन भी किया है, बातचीत भी की है। उन्होंने कहा बड़ों का नाम पूरा नहीं लिया जाता, इसलिए हम संक्षेप में बोलते हैं बोधाश्रम जी महाराज। पत्नी का नाम भी कहीं खो गई हो तो पूरा ले लें, नहीं तो नहीं। भामा, सत्य भामा का नाम क्या हो गया? भामा। खो गई हो तो ढूंढने के लिए पूरा नाम। बड़े बेटे का नाम भी पूरा नहीं लेना चाहिए, शिष्टाचार की बात। आजकल तो पत्नी का नाम, पुत्र वधु का नाम सब प्रचलित हो गया, जो कहते हो। पत्नी भी पति का नाम बहुत आदर से आदर से लेती हो या जो भी लेती हो। और पत्नी पति भी नहीं कहती, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ही है। पत्नी भी नहीं कहती, इसलिए वो सब शिष्टाचार। क्या आत्मा स्वयं का नाम भी पूरा ना ले, गुरु का नाम पूरा ना ले, बड़े बेटे का नाम पूरा ना ले। हाँ, अब ये बताएंगे कौशल्या सुमित्रा केकई का असली नाम बताओ, कहीं लिखा भी है क्या? ये सब असली नाम है क्या? कोई भी असली नाम नहीं। सुमित्रा क्षेत्र विशेष है या नहीं, वहाँ से आई थी, वहाँ की बेटी रही होगी सुमित्रा केकई, क्षेत्र विषय का नाम कौशल्या, कौशल इसका हमने एक भी नाम हम लोगों को भी नहीं मालूम है सचमुच में नाम क्या था, कौशल्या का केकई का सुमित्रा का, एक भी असली नाम नहीं। जयपुरिया असली नाम है क्या? जयपुर के आधार पर जयपुरिया हो गई है नहीं, बिहारी राजगरिया वही बिहारी, बिहार वाला उड़िया, उड़िया बाबा। तो असली नाम क्या था केकई का पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है, ग्रंथ में है भी नहीं। तो यह क्या केकई कौशल्या सुमित्रा एक भी असली नाम नहीं। बंधव कौशल्या आदि प्राची ये सब क्या है? क्षेत्र परक नाम है, क्षेत्र परक नाम है, प्राचीन प्रथा थी। हाँ, इधर रुक्मिणी आदि सत्यभामा इत्यादि ठीक है, लेकिन त्रेता युग की बात है कि कई का असली नाम बताओ, कौशल्या का असली नाम बताओ, सुमित्रा का असली नाम बताओ, नहीं बता सकते। असली नाम के नाम पर इनकी प्रसिद्धि ही नहीं हुई, क्षेत्र विशेष के नाम पर जयपुरिया जी आ रहे हैं, असली नाम तो कुछ और होगा ना, जयपुरिया तो क्षेत्र विशेष को ले, ये बंगाली हैं, ये बंगाल भी क्षेत्र विशेष को लेकर। पांडवों में 5 थे और परंपरा ये है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलती है, या कोई लाचारी हो तो छोटे आधी आधी हो किसी को, नहीं तो प्राथमिकता बड़े पुत्र को ही देते। पांडव के युधिष्ठिर जी थे, युधिष्ठिर जी की संतान की तरफ से वंश परंपरा नहीं चली, अर्जुन के अभिमन्यु और परीक्षित जन्मेजय आदि आदि की परंपरा चली, ऐसा पुराण आदि में मिलता है, तो उसका क्या कारण है युधिष्ठिर की परंपरा न चलने का या भीम की परंपरा न चलने का, पुराण आदि में ऐसा वर्णन कभी नहीं? किसकी परंपरा चली? अर्जुन की परंपरा चली। अर्जुन की परंपरा चली पुराणों के अनुसार। द्रौपदी कौन थी?
भू देवी के अवतार, स्वर्ग लक्ष्मी के अवतार, पांचों पांडव कौन थे, इंद्र के अवतार, इंद्राणी के अवतार कौन थी, द्रौपदी, सुभद्रा के पुत्र कौन थे, सुभद्रा के पुत्र परंपरा किसकी चली, सुभद्रा की चली ना, तो पांचों से विवाहिता थी ना, तो वंश पर उंगली ना उठे, सुभद्रा की परंपरा चली। और भीमसेन का विवाह पहले हो गया था, विडम्बा बड़े भाई के रहते छोटे भाई का विवाह अनुचित है, अगर बड़े भाई आज्ञा दे दें तो जम्मन जी के छोटे भाई का विवाह प्रमोद जी ने पहले करा दिया, प्रमोद जी चाहते थे कि कथावाचक है, इसकी वंश परंपरा न चले, अच्छा है विवाह ही ना, इसलिए छोटे भाई कह दिया ये वो लड़की है ना बहुत पसंद आ गई, छोटे भाई के विवाह करा दो। हम समझ गए कि चाल है कि जम्मन जी विवाह ही न करें, छोटे भाई का विवाह पहले हो गया, जम्मन जी का विवाह बाद में हो गया, तो किसकी परंपरा चली फिर, किसकी चली, सुभद्रा से चली, सुभद्रा से चली, नहीं तो चली तो वो कटाक्ष ना हो इस दृष्टि से। आगे कहाँ चल रहे थे, असल में हमारा दिमाग वो तो है, महाभारत हमारा पूरा सधा हुआ है, लेकिन इस समय हमारा दिमाग ठीक है उतर दिया होगा, लेकिन इस समय हमारा दिमाग जो है, इस समय कोई पूछ दे कुछ इधर उधर की बात तो कुछ भी उठपटांग बोल सकता हूँ, इसलिए जैसा हमको मालूम था, जब मैं प्रवचन करके आता या प्रवचन करने जाता तो उत्तर चाहने वाले मुझको नहीं छेड़ते थे, प्रवचन करने जाता तो उसमें धुन प्रवचन करके आता 15 मिनट तक उसका आवेश, इस समय हमारे ऊपर आनंदगिरी का आवेश है। हाँ आत्मनि प्राण शब्द प्रवृत्ति उपादायति, आत्मा में प्राण शब्द की प्रवृत्ति क्यों है, प्राण क्रिया का कर्तृत्व है, इसलिए कर्तृत्व को हटा करके जैसे सत्यभामा का नाम भामा कह दे या सत्या कह दे, ऐसे ही प्राण क्रिया का कर्ता इतना न कह के प्राण ही कह दिया, आत्मा का नाम प्राण हो गया, अर्थ क्या होगा, प्राण क्रिया का कर्ता न कि प्राण ही, कर्तृत्व होने कारण जिसका कर्तृत्व होता है उस नाम से भी व्यक्ति की ख्याति हो जाती है। तब पढ़ाने वाले का नाम पाठ क्यों न रख दिया जाए, पाठक हुआ ना, प्राण क्रिया का कर्ता का नाम हो गया प्राण, तो पढ़ाने की क्रिया का कर्ता पाठक हुआ, पाठक का नाम पाठक क्यों न रख दिया जाए, रखा जा सकता है। आत्मनि प्राण शब्द प्रवृत्ति उपादायति, प्राण क्रिया कर्तृत्वात्, प्राण का अर्थ यहाँ पर लक्षण क्या करेंगे, प्राण क्रिया का कर्ता, भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर, अर्थ क्या होगा, योगेश्वर अर्थ होगा योगीश्वर, योग की लक्षणा योगी में, योग के ईश्वर हैं भगवान या योगियों के ईश्वर हैं,
नाम तो है यत्र योगेश्वर कृष्णः कृष्णः, अर्थ होगा योगीश्वर, योग की लक्षणा योगी में। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, पार्थ माने पृथा के पुत्र, कुंती के बचपन का नाम था पार्थ, पार्थ माने दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष, पार्थ माने दक्ष। कुंती के बचपन का नाम था पार्थ, पृथा, पृथा नंदन का नाम हो गया पार्थ, कुंती नंदन का नाम हो गया कौंतेय, ये अपार्थ हैं। पार्थ का अर्थ दक्ष होता है, पार्थ का अर्थ अदक्ष होता है। अर्जुन को पार्थ माता के नाम पर और दक्षता के नाम पर पार्थ, पृथा पुत्र पार्थ, दूसरा दक्ष। जैसे पाठक न कह के पाठ कह दें, प्राणी न कह के प्राण कह दें, प्राण क्रिया का कर्ता को ही प्राण कह दिया, ऐसे ही रिक्शा के चालक का नाम है रिक्शा। अब रिक्शा केवल आ जाए तो आवे कैसे, ए ऑटो ए रिक्शा, क्या हो गया लक्षण, रिक्शा या रिक्शा वाला, रिक्शा वाला आ जाए रिक्शा को छोड़ के तब। माने तुम तो आओ पर रिक्शा सहित आओ, ए रिक्शा कहने का अर्थ रिक्शा वाला रिक्शा के सहित आना, क्योंकि रिक्शा पे बैठ के हमको यात्रा करनी है। तो रिक्शा वाले का नाम क्या हो गया, रिक्शा। आत्मन प्राण शब्द प्रवृत्ति उपादायति तत्कर्तृत्वाद आत्मा प्राण उच्यते। लो जी, जिसका कर्तृत्व है, कर्तृत्व परक नाम ना होकर क्रिया परक नाम हो गया प्राण, प्राण की लक्षणा प्राणक क्रिया में, प्राणक क्रिया की लक्षणा प्राणक क्रिया के कर्ता में, लक्षणा भी चलती है क्या, प्राण की लक्षणा किसमें हो, प्राणक क्रिया में, प्राणक क्रिया की लक्षणा किसमें होगी, प्राणक क्रिया के कर्ता में हो गया, वहाँ जाके अर्थ लगेगा। प्राण का अर्थ हो गया आत्मा को जब प्राण कहते हैं तो प्राणक क्रिया, प्राण की लक्षणा किसमें, प्राणक क्रिया में, प्राणक क्रिया की लक्षणा किसमें, प्राणक क्रिया के कर्ता में। दो सीढ़ी ऊपर जाके, दो कक्षा ऊपर जाके अर्थ लगेगा, लेकिन नाम हो गया प्राण। तत्कर्तृत्वात् आत्मा प्राण उच्यते। प्राणितीति, प्राणितीति विपत्ति इति योजना, प्राणितीति ये प्राणक क्रिया का कर्ता है, इसलिए प्राणिनीति प्राणक क्रिया का संपादक होने के कारण। सदृष्टान्तमेवाकारार्थम, सदृष्टान्तम एव सदृष्टान्तमेव कारार्थ नान्याम इति, अन्यों में नहीं, नान्याम क्रियां कुर्वन् अन्य क्रिया को करता हुआ नहीं, बल्कि प्राण क्रिया को करता हुआ ही, दर्शनादि रूपां अन्य क्रिया, अन्य क्रिया को, माने प्राण की प्रधानता हो गई। और यह हुआ बढ़िया दिया, लाभक पाचक है, लाभक प्रसिद्ध अर्थ नहीं है सब, ये लाभक लवन क्रिया व लाभको न तो पक्तिया तथेव च पाचक, पाचक पचन क्रिया का कर्ता हो गया, ऐसे लावक पाचक ऐसे। नान्याम क्रियाम कुर्वन् यह, यथा लावक पाचक, पाचनक क्रिया का कर्ता हो गया पाचक,
नौमी टिप्पणी लवण क्रिया यही व लाभ को न तो पक्तिया तथा च पाचक। पक्ति को लेकर तो पाचक हो गया, लवण को लेकर लाभक हो गया। अब कहाँ था, सदृष्टान्त में वह अकार हो गया। एव कारार्थम अनुद्या हेत्वम हेत्वर्थम सम्हरति। एव कार का अर्थ कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने। अब हेत्वर्थ का उपसंहार करते तस्मादिति तस्मात, इस जब की बात ऐसी ले अंतिम पंक्ति भाष तस्मात क्रियांतर विशिष्टायाम अनुपसंहारात कृष्णो ही सह। एक ही क्रिया का संपादक नहीं है, प्राणक क्रिया के अतिरिक्त भी क्रियाओं का संपादक है। तथापि अगर आत्मा को प्राणक क्रिया का कर्ता अर्थात प्राण कह दे तो समग्रता का द्योतक न होकर संकीर्णता का द्योतक ही है। एक क्रिया के द्वारा ही उसका नाम हो गया। अब कहाँ लघु शंका हुआ, कर्णोपसंहारे भी प्राण से व्यापार दर्शनात् प्राधान्यावगमात् प्राणन इत्यादि वाक्यमादौ व्याख्याय क्रियाशक्तित्वेन प्राणसादृश्यादवाचो वदन्नित्येतत्पूर्वकम् उत्तरवाक्यानि व्याचष्टे इत्यादिना। स्वापावस्थायाम सुप्ति दशा में समस्त कर्णों पर संहारे भी, समस्त कर्ण का उपसंहार हो जाने पर भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 कर्णों का उपसंहार हो जाने पर स्वापावस्थायाम समस्त कर्णों पर उपसंहार है। जागृत में चतुर्दश कर्ण से युक्त होते हैं, 5 प्राण मिला दें तो 19 कर्णों से युक्त होते हैं। दोनों विधा 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय 5 प्राण 19। लेकिन पैंगी रहस्य उपनिषद आदि के अनुसार, पैंगलोपनिषद आदि के अनुसार 14 करण से युक्त हो गया तो जागृत 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्वप्नावस्था में प्रातीतिक 14 करण की प्राप्ति होती है। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण चतुष्टय। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ यद्यपि सुप्त होती हैं लेकिन फिर भी स्वप्न में 19 करण या 14 करणों से युक्त ही जीव को माना गया। एको नविंशत मुख, सुसुप्ति में एक ही मुख रह जाता है उपलब्धि द्वार करण के रूप में चेतोमुख। अब यहाँ प्राण की बात कही आनंद गिरि जी ने, प्राण का महत्व क्यों है। प्राण कोई साक्षात करण नहीं है। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय का उपोद्वलक होने के कारण प्राण को भी 19 करणों में गिन लिया गया। कहाँ, मांडूक उपनिषद में, एको नविंशत मुख। प्राण कोई साक्षात करण नहीं है, 14 करणों का उपोद्वलक है। इनको क्रियाशक्ति से संपन्न सक्रियता प्रदान करने वाला, सक्रिय करने वाला। अब प्राण जो है
प्राणांत और अप्राणांत, ये परसंवेद है या स्वसंवेद। जब कोई खर्राटे लेकर सोया होता है, प्राण का भी अभावनात्मक वियोग होता है या नहीं? लेकिन ये मरा हुआ नहीं है, जीवित है, सांस ले रहा है। तो प्राणक क्रिया जो सुसुप्ति में मान्य है, तो पर संवेद है या स्वसंवेद है? चक्रवर्ती जी, कठिन काम हो गया। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसको तो प्राण का भी आभान प्राप्त है, शरीर का भी आभान प्राप्त है, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का भी आभान प्राप्त है, अंतःकरण का भी आभान प्राप्त है। लेकिन भाई निश्चिंत रहो, सांस ले रहे हैं। ये पर संवेद वहाँ पर प्राण है या स्वसंवेद? हाँ, बढ़िया। अन्यों की दृष्टि में प्राणस्पंदन, धोकनी को देख के कि जीवित है, चिंता मत करो, क्या हुआ। घटना घटी थी, गोविंदानंद सरस्वती बताते हैं। एक नया डॉक्टर आया, सच्ची घटना। उसने मर गए कह दिया, अब पत्नी रोने लगी, बेचारा शक्ति लगा कर बोला, रो मत, विधवा नहीं हुई हो, मैं अभी जीवित हूँ। सच्ची घटना बताते गोविंदानंद जी, जो हैं नया डॉक्टर आया, उसने तो मरा हुआ घोषित कर दिया, बेचारे बीमार ने बहुत जोर लगाकर, विधवा नहीं हुई हो, अभी मैं जीवित हूँ। डॉक्टर की बात ही प्रमाण है। हाँ डॉक्टर, हाँ फिर वो कहा, उसने कह दिया, चिंता मत करो, जीवन और मरण में डॉक्टर का वचन प्रमाण है, मान लो कि मैं मर ही गया, डॉक्टर की फसीयत हो गई। तिबिया कॉलेज में, दिल्ली में मैं था, नए नए जो चिकित्सक प्रशिक्षण में थे, तो मुर्दे को चीरफाड़ करते हैं, तो मुर्दे को क्या था कि ऐसे रस्सी से, अब वो दो तीन दिन का रहा होगा मुर्दा, वो चीरफाड़ करने गया नया सीखने वाला, और मुर्दे का शरीर यूं हो गया, सही फूल के वो भगा के प्रेत हो गया, जीवित हो गया। अभी एक घटना घटी ना मुसलमानों की, क्या कोई गया कब्र में, एक उंगली उठी हुई दिखाई पड़ी, बेचारे लोग डर गए, अखबार में आया। एक मुर्द गाड़ दिया गया होगा, एक उंगली उसकी दिखाई पड़ गई, लोग भग गए ऐसे। वो असल में जो मुर्दा फूला, तो बंधन रस्सी जो थी ऐसे हो गई। मैं उन दिनों दिल्ली में ही था, तिबिया कॉलेज में, अब सोचा कि मैं तो जीवित हो गया, सीखने वाले चीरफाड़ करने वाले सब भाग गए। ये प्राण है, ये भी पर संवेद ही है। स्वापावस्थायाम समस्त कर्णोपसंहारे पी प्राण से व्यापार दर्शनात्, व्यापार दर्शनात् जो है किसके दृष्टि में, पर संवेद है या स्वसंवेद। प्राधान्यावगमात, इसलिए फलवल कल्प है कि प्राण की प्रधानता है, अवगम ज्ञान से। प्राण प्राणन इत्यादि वाक्यम आदौ व्याख्या, इसलिए प्राणन इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले कर दी गई, उसके बाद क्रियाशक्तित्व प्राण साधिस्वाद, क्रियाशक्ति जैसे प्राण है वैसे वागादि भी क्रियाशक्ति संपन्न, इसलिए प्राण के सदृश होने के कारण वाचो वदन। हाँ, पहले श्रुति ने प्राण का ही उल्लेख लिया, प्राणन क्रिया का कर्ता, और बोलते समय वाचो वदन, बोलते समय वाक का उपयोग होता। इत्यादि पूर्वकम उत्तर वाक्यानि व्याचष्टे, उत्तर वाक्यों की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, तथे तथा वदन वदनक क्रियाम कुर्वन, वदन माने वदनक क्रिया का करता हुआ वाक्यम, ये सब व्याख्या क्रिया शक्तित्व न हो गया, हो गया।
प्राणन वदनाभ्याम अनुक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारम उपलक्ष्य, दो का नाम ले लिया, बाकी जिनका नाम नहीं लिया उपलक्षण विधा से उनको भी समय लेना चाहिए। तत्त कर्म क्रिया का संपादन करने वाला, गमन क्रिया का संपादन करते समय घनता हो गया ऐसे। वाक्यद्वय तात्पर्य महा, वाक्यद्वय का तात्पर्य प्राणन नेवेति, प्राणवागाद्युपाधि द्वारेण आत्मन इति शेषः, प्राणवागादि उपाधि के द्वार से, प्राण और वाक इंद्रिय आदि की उपाधि के द्वार से आत्मन इति शेषः, आत्मा में इन सब क्रियाओं का कर्तृत्व प्रसक्त है, स्वतः तो आत्मतत्व कारण रहित दशा में निष्क्रिय ज्ञान घन ही सिद्ध होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। हर हर महादेव। तो ये पांडे जी को नहीं घट